गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन टू. चैप्टर नेम इज वन इंच टॉल. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पोयम. सो लेट्स स्टार्ट. इफ यू वर ओनली वन इंच टॉल, यू'ड राइट अ वर्म टू स्कूल. पोइट यहाँ पर कह रहे हैं, पोइट ने यहाँ पर बच्चों अपने आप को वन इंच टॉल के रूप में माना है. पोइट कह रहे हैं कि अगर मैं वन इंच टॉल होता तो मैं स्कूल कैसे जाता, वॉर्म पर बैठकर जाता, क्योंकि बच्चों वो ऑन फुट तो जा नहीं सकते, इसीलिए वो वॉर्म पर बैठकर जाएंगे. द टियर ड्रॉप ऑफ अ क्राइंग आंट वुड बी योर स्विमिंग पूल. इस लाइन्स में बताया है कि जो चींटी के आंसू होते हैं वो बहुत थोड़े से होते हैं. अगर वन इंच टॉल हूँ मैं तो वो मेरे लिए स्विमिंग पूल की तरह होंगे, क्योंकि ये तो बहुत स्मॉल होते हैं. अ क्रम ऑफ केक वुड बी अ फीस्ट एंड लास्ट यू 7 days एट लीस्ट. अ क्रम ऑफ केक, बच्चों केक का छोटा सा टुकड़ा, अगर मुझे छोटा सा टुकड़ा मिल जाए तो मैं उसे कितने डेज में ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये तो वन इंस्टॉल है तो वो 7 days में ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि वो वन इंस्टॉल है और उनकी जो टमी होगी वो भी बहुत स्मॉल सी होगी. अ फ्ली वुड बी अ फ्राइटिंग बीस्ट इफ यू वर वन इंस्टॉल. बच्चों यहाँ पर फ्ली का मतलब है एक ऐसा इंसेक्ट जो जिसके विंग्स नहीं है, तो आपको वो भी बहुत ही भयानक लगेगा क्योंकि आप वन इंस्टॉल हो. इफ यू वर ओनली वन इंस्टॉल यूड वॉक बीनिथ द डोर. अगर वन इंस्टॉल है तो डोर के नीचे, देखिए बच्चा थोड़ा सा रास्ता है ना, गेट के नीचे थोड़ा सा रास्ता है ना, वहां से भी आप आना जाना कर सकते हो. एंड इट वुड टेक अबाउट अ मंथ टू गेट डाउन टू द स्टोर. अगर आपको स्टोर तक जाना है तो आपको 1 month लग जाएगा. क्यों क्यों लग जाएगा बच्चों, क्योंकि वन इंस्टॉल की बात हो रही है, वन इंस्टॉल है ना पोइट. अ बिट ऑफ फ्लफ वुड बी योर बेड, यूड स्विंग अपॉन अ स्पाइडर्स थ्रेड. बच्चों यहाँ पे फ्लफ का मतलब होता है कॉटन, बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल, लाइक दैट कॉटन. कॉटन भी आपके लिए एक बेड का काम करेगी क्योंकि आप वन इंस्टॉल हो. स्पाइडर्स थ्रेड, स्पाइडर्स का जो थ्रेड होता है, मकड़ी का जो जाला होता है, स्पाइडर थ्रेड, वो आपका स्विंग का काम करेगी, उसमें आप झूल सकते हैं. एंड वियर अ थिम्बल ऑन योर हैंड इफ यू वर वन इंस्टॉल. थिम्बल का मतलब होता है बच्चों एक जो थंब में पहनने वाला होता है, अंगुश्ताना बोलते हैं उसे हम, वो अंगुश्ताना आपके हेड पर आ सकता है क्योंकि आप वन इंस्टॉल हो. योड सर्व अक्रॉस द किचन सिंक अपॉन अ स्टिक ऑफ गम. बच्चों यहाँ पर स्टिक ऑफ गम का मतलब है गोंद की छड़ी. पोइट कह रहे हैं कि सिंक में जो पानी होता है वो आपके लिए इनफ है, गोंद की छड़ी को आप उसमें सफरिंग कर सकते हैं. यू कुड नॉट हग योर मम्मा, यू जस्ट हैव टू हग हर थंब. बच्चों पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपनी मम्मा को हग नहीं कर सकते. पता है बच्चों क्यों, क्योंकि वो वन इंस्टॉल है. अगर उन्हें अपनी मम्मा को हग करना होगा तो वो उनके थंब को हग कर पाएंगे. यूड रन फ्रॉम पीपल्स फीट इन फ्राइट टू मूव अ पेन वुड टेक ऑल नाइट. पोइट कह रहे हैं कि आपको पीपल से, लोगों के पैरों से बचकर चलना होगा, क्योंकि अगर वो रनिंग करेंगे तो ये उनके पैरों के नीचे आ जाएंगे और इनको चोट लग सकती है. टू मूव आ पेन, अगर आपको पेन को कहीं इधर उधर रखना है तो आपको
काफी टाइम लग जाएगा, रात लग सकती है क्योंकि वो 1 inch tall है. This poem took 14 years to write cause I am just 1 inch tall. इस पोयम को लिखने के लिए 14 ईयर्स लगे हैं. Cause I am just 1 inch tall. बच्चों इसका मतलब तो आपको पता ही है, क्योंकि वो 1 inch tall है ना. इंटरेस्टिंग पोयम. थैंक यू.